नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। एक एक करके चलेंगे दोस्तों, दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं आप तक पहुंचाएंगे। बात होगी वीडियो में पहली बड़ी खबर में, संसद में जोरदार तरीके से जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है, और वहीं दूसरी तरफ महायुति की सरकार का अब तक गठन नहीं हुआ। संजय राउत बोले राष्ट्रपति शासन लगे, और इसके साथ ही शरद पवार ईवीएम के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन तैयार करने वाले हैं, इसका ऐलान भी हो गया है। राहुल गांधी संसद में जबरदस्त तरीके से यहां पर भड़क गए हैं, जानेंगे ये भी खबर। और वहीं यहां पर बीजेपी के मंत्री जो हैं केंद्र में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही कांग्रेस में घर वापसी करने वाले हैं। प्रियंका गांधी की शपथ ग्रहण को लेकर के भी दावा किया जा रहा है। एक एक करके चलेंगे, हर जरूरी खबर महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा दोस्तों, खबरों में बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #VSupportRahulGandhi जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो पहली बड़ी खबर है बताते चलें, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई और जबरदस्त हंगामा हुआ दोनों ही सदनों में। इंडिया गठबंधन का जोरदार हंगामा देखने को मिला है, क्योंकि यहां पर मोदी सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए ही तैयार नहीं है। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही जमकर के हंगामा हुआ, जिसके बाद में सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। दरअसल दोस्तों बताते चलें, इंडिया गठबंधन की मांग है कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और यहां पर महिला सुरक्षा से लेकर के अडानी का मुद्दा हो या फिर मणिपुर का मुद्दा हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इन्हें जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दों से भाग रही है, ये खबर आई है सामने, जिसके बाद में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त हंगामा संसद के अंदर ही किया है। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत बोले अगर महायुति सरकार बनाने में नाकाम हो रही है तो राष्ट्रपति शासन लगे राज्य के अंदर। दोस्तों 4 दिन होने को है यहां पर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे जारी हुए, और अब तक यहां पर सीएम पर कौन होगा इसका ऐलान महायुति नहीं कर पाई है, जबकि प्रचंड बहुमत मिला है महायुति को, और तब भी यहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात का ऐलान नहीं हो पाया है। जिसके बाद संजय राउत बोले अगर यहां पर महायुति सरकार बनाने में नाकाम हो रही है तो तुरंत ही राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और वहीं ईवीएम के खिलाफ में मुहिम चलाने की तैयारी में शरद पवार नजर आ रहे हैं, क्योंकि शरद पवार को लगातार यहां पर उनके प्रत्याशियों की तरफ से जानकारी मिली है कि हम चुनाव हारे नहीं है, हमें चुनाव हराया गया है ईवीएम के जरिए। इतना ही नहीं, नाना पटोले बोले ईवीएम पर कोर्ट कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, और इसके लिए हमें एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना ही पड़ेगा, तभी इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा, वरना एक ही पार्टी का शासन जल्द ही आ जाएगा, ये कहना है नाना पटोले का। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह बोले अगर हमें ईवीएम के खिलाफ लड़ना है तो सड़क पर उतरना ही होगा, अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये दिग्विजय सिंह ने भी दोस्तों ऐलान कर दिया है। दोस्तों ये यहां पर अपडेट आई है, इसके साथ ही जो खबर आ रही है बताते चलें, राहुल गांधी ने दोहराई है अडानी की गिरफ्तारी की मांग संसद के अंदर। कहा अडानी तो आरोपों को खारिज करेंगे ही, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार उनको बचा रही है। दरअसल दोस्तों बताते चलें, अडानी समूह के खिलाफ आरोपों पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आपको क्या लगता है अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे, जाहिर है कि वे आरोपों से इनकार ही करेंगे, मुद्दा यह है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए तत्काल प्रभाव से। सैकड़ों लोगों को यहां पर छोटे छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है, और गौतम अडानी पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए, सरकार उन्हें बचा रही है। देश के अंदर छोटे छोटे अपराधों के लिए ही या किसी के ऊपर आरोप लगते हैं तो गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन अडानी खुला कैसे घूम रहा है ये सरकार को बताना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार अडानी के मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है। इंडिया गठबंधन यहां पर जेपीसी के जरिए जांच कराने की मांग कर रहा है, लेकिन यहां पर सीधी सी बात है कि अगर जेपीसी की जांच हो गई तो कई बीजेपी नेताओं के भी नाम सामने निकल के आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है यहां पर अडानी के पीछे पूरी भाजपा है, और खास करके पीएम मोदी यहां पर खड़े हुए हैं अडानी के साथ में, इसलिए पीएम मोदी कभी भी नहीं चाहेंगे कि अडानी के मामले की जांच हो, वरना वे भी यहां पर बुरी तरह से फंसते हुए नजर आएंगे, राहुल गांधी का साफ तौर पर दोस्तों कहना है।
इतना ही नहीं, जल्द ही एक बड़ा खेल भाजपा के साथ होने जा रहा है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो सकती है घर वापसी। तस्वीर ही कुछ ऐसी आई है। मध्य प्रदेश में जल्द ही खेला होने जा रहा है। संसद में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ में दिखे हैं, वो भी हाथ से हाथ यहाँ पर पकड़े हुए। यानी कि ये तस्वीर देख करके यहाँ पर पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह तक हैरान नजर आए। और ये यहाँ पर दोस्तों खबर आई है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि सिंधिया की जल्द ही घर वापसी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी। दोस्तों इसके साथ ही एक जरूरी खबर आ रही है, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लोकसभा सांसद की कल शपथ ले सकती हैं। प्रियंका गांधी ने वायनाड से 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से प्रचंड जीत यहां पर दर्ज की है और पहली बार सांसद बनकर के प्रियंका गांधी संसद में पहुंची हैं। ये अपडेट आई है सामने दोस्तों। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खबर आ रही है, बताते चलें, बैलेट पेपर के जरिए मतदान करने वाली याचिका को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीतने पर ईवीएम खराब नहीं होती, लेकिन हार जाने पर वही ईवीएम खराब हो जाती है। दो तरह के मानदंड नहीं चलेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग कराने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले, मामला ही ऐसा था कुछ, चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी जैसे नेता चुनाव हारने पर ईवीएम में खामी बताते हैं लेकिन जीतने पर कुछ नहीं कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आई है सामने निकल के। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय देना, ना कि ये देखना कि कौन यहाँ पर आरोप लगा रहा है और कौन यहाँ पर जीतने के बाद आरोप लगा रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को न्याय देना चाहिए। और सीधे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर जो ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं उस मामले की जांच यहां पर करवानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों इसके साथ ही जो खबर आ रही है उसकी तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सामने निकल के, संभल में मस्जिद के सर्वे के आदेश को जमीयत ने बताया गलत, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। संभल हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। योगी सरकार की नाकामी की वजह से संभल के अंदर हिंसा हुई, अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है। राहुल गांधी भी जल्द ही संभल के दौरे पर जा सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर के कहा जाए तो यूपी के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चौपट नजर आ रही है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों एकनाथ शिंदे के बागी तेवर, एकनाथ शिंदे बनना चाहते हैं गृहमंत्री, सीएम पद की रेस के बीच कर दी है बड़ी डिमांड। यहाँ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी है। इस बीच खबरें हैं कि शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने राज्य के गृह मंत्रालय की मांग की है। हालांकि अब तक शिवसेना शिंदे गुट या महायुति की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। अब तक मुख्यमंत्री का नाम यहां पर महायुति नहीं तय कर पा रही है। और इस बीच यहां पर शिंदे ने गृह मंत्री के पद पर दावा ठोका है क्योंकि वे भी जानते हैं कि अब वे कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे दोस्तों, क्योंकि भाजपा उनको अपने आगे कभी मुख्यमंत्री बनने ही नहीं देगी। इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन खबरों को। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।